अमेरिकी संसद ने भारत को ड्रोन बेचने की डील को मंजूरी दे दी है। इस डील के तहत भारत अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदेगा, जिनकी कुल कीमत होगी 3.99 बिलियन डॉलर, यानी 33,000 करोड़ रुपए के 31 ड्रोन, यानी हर ड्रोन की कीमत 1,000 करोड़ रुपए से अधिक। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इतने महंगे महंगे ड्रोन करते क्या हैं? क्या है इन ड्रोन्स की खास बातें और इन्हें खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इस ड्रोन की खास बातें। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV है। UAV ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जिनमें कोई पायलट या पैसेंजर नहीं होता। हिंदी में मानव रहित विमान कहते हैं। इन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, जैसे आप नॉर्मल ड्रोन हवा में उड़ते देखते हैं वैसे ही। लेकिन इसे नॉर्मल ड्रोन आप समझने की गलती मत करिए। MQ-9B ड्रोन्स की लंबाई है 38 फीट और चौड़ाई है 79 फीट। देखने में ये किसी छोटे एयरक्राफ्ट की तरह दिखते हैं। इतना ही नहीं, MQ-9B ड्रोन एक बार की उड़ान में अधिकतम करीब 40 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। ये किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मौसम में, पूरी दुनिया में कहीं भी, दिन या रात, किसी भी वक्त उड़ सकता है। ये अपने साथ 2177 किलो तक का भार भी ले जा सकता है। इसमें लेजर गाइडेड मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल्स भी शामिल हैं। इन मिसाइल्स के जरिए हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी किसी टारगेट को तबाह किया जा सकता है, फिर वो चाहे कोई व्यक्ति हो, बिल्डिंग हो, टैंक हो या फिर समुद्र में मौजूद शिप। इन सब को MQ-9B ड्रोन के जरिए टारगेट किया जा सकता है। MQ-9B ड्रोन का इस्तेमाल पानी की सतह पर और सतह के नीचे दोनों जगह की निगरानी के लिए किया जा सकता है। इसमें 360 डिग्री सरफेस सर्च, मैरीटाइम रडार, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, सोनोबाय वो डिवाइस है जो रेडियो सिग्नल के जरिए पानी के नीचे हो रही एक्टिविटीज को डिटेक्ट करता है। इसके जरिए गहरे पानी में छिपी पनडुब्बियां भी पकड़ में आ जाती हैं और मिसाइल के जरिए उन्हें टारगेट बनाया जा सकता है। भारत MQ-9B ड्रोन हासिल करने वाला पहला गैर नाटो देश होगा। पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे, तभी ये डील फाइनल हुई थी। इन 31 ड्रोन में से 15 भारतीय नौसेना को, जबकि 8 एयरफोर्स और आर्मी को दिए जाएंगे। MQ-9B बनाने वाली कंपनी का नाम है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल। ये कंपनी MQ-9B ड्रोन के दो वेरिएंट बनाती है। जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो एक ही गाड़ी के कई वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं, उसी तरह से MQ-9B ड्रोन के भी कई वेरिएंट हैं। इनमें दो प्रमुख हैं, एक है MQ-9B स्काई गार्जियन और दूसरा MQ-9B सी गार्जियन। यहाँ दोनों वेरिएंट्स के नाम से ही आप दोनों के बीच का अंतर समझ सकते हैं। सी गार्जियन मैरीटाइम वेरिएंट है, यानी इसका इस्तेमाल समुद्री इलाके की निगरानी के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड्स करते हैं, जबकि धरती के ऊपर हवाई इलाके की निगरानी के लिए स्काई गार्जियन का इस्तेमाल करते हैं। इसे बनाने वाली जनरल एटॉमिक्स कंपनी के मुताबिक MQ-9B का इस्तेमाल निगरानी, सर्विलांस, बचाव अभियान और टारगेट को तबाह करने जैसे कामों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा मिलिट्री ऑपरेशंस, जैसे जमीन पर रखे हथियारों को नष्ट करने के लिए नेवी के ऑपरेशंस, समुद्र में मौजूद शिप या सबमरीन को नष्ट करने के ऑपरेशंस, हवाई हमलों को रोकने आदि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत के पास ये ड्रोन आएंगे तो भारत की निगरानी क्षमता और मजबूत होगी, साथ ही चीन पाकिस्तान से बढ़ते खतरों का सामना भी करने में आसानी होगी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।